हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ संजना और मैं आज यहाँ आई हूँ आप सभी को ये बताने के लिए कि इस गर्मी के मौसम में धूल धूप और प्रदूषण से आप सब कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस मैं कुछ इजी क्विक एंड हेल्दी टिप्स दूंगी। बस उसे ही यूज करना है और अपने ऊपर अप्लाई करना है। आपको बहुत ही कम समय में धूल धूप और प्रदूषण से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। अपनी स्किन को मॉइस्चराइज कैसे रखना है और रिंकल्स, एक्ने, ब्लेमिशेस और पिंपल्स से छुटकारा कैसे पाना है, ये सारी चीजें भी मैं आपको इसी वीडियो में अभी बताऊंगी। कई बार हमारा फेस बहुत ही ज्यादा डल दिखने लगता है, फेस में जैसे जान ही नहीं बचती। टैनिंग की वजह से फेस बहुत ही ज्यादा काला पड़ जाता है और हमें लगता है कि गुजरते समय के साथ हमारा स्किन टोन कहीं खो सा गया है, बहुत ही ज्यादा डल हो गया है। तो उसी टैन हुए स्किन को एक शेड और कम करने के लिए मैं यहाँ आपको आज कुछ हेल्दी टिप्स दूंगी। तो गाइस, आज की वीडियो में आप सभी को एक नहीं बल्कि चार फायदे होंगे। सन टैनिंग की वजह से आपकी स्किन जितनी ज्यादा भी डैमेज हुई है उसे रिपेयर करने में भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम भी आपकी इसी वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। जो मैं टिप देने जा रही हूँ वो हेल्दी स्किन के साथ साथ हेल्दी लिप्स में भी बहुत ज्यादा काम आएगी। तीसरा फायदा गाइस आप सभी को ये होगा कि रिंकल्स, पिंपल्स, एक्ने और ब्लेमिशेस से भी आपको बहुत ही जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। और चौथा फायदा गाइस ये है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें खर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको भागदौड़ करके महंगे महंगे प्रोडक्ट्स लाने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही कम बजट में आपका काम हो जाएगा, आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी और धूल धूप मिट्टी प्रदूषण से आपको 100% छुटकारा मिल ही जाएगा। तो आज मैं ये चारों फायदे लेकर आई हूँ एक ही वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं कोई रेमेडी नहीं तैयार करने वाली हूँ। जो भी चीज हम आज यूज करेंगे, जो भी प्रोडक्ट यूज करेंगे वो बना बनाया है, हमें उसमें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल रेडीमेड प्रोडक्ट है जो हमें बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं जानना कि आज की वीडियो में मैं ऐसा कौन सा प्रोडक्ट लाई हूँ जो इतने कम बजट में इतना ज्यादा फायदा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ ये कैप्सूल जो हमारे स्किन को, हमारे सेल्स को और हमारी बॉडी को नरिश करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसका बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये इवियॉन कैप्सूल है जो कि 400 mg का है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप जब चाहे इसे यूज करते हैं। बहुत ही कम बजट है इसका, बहुत ही ज्यादा महंगा प्रोडक्ट भी नहीं है। बहुत ही कम बजट में ये आपके मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होगा। सिर्फ इसकी एक कैप्सूल से आप अपनी पूरी बॉडी को नरिश कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देगा और आपकी जो भी स्किन डैमेज हुई है उन सभी को रिपेयर करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है ये इवियॉन कैप्सूल। ये कैप्सूल आपको सिर्फ और सिर्फ 32 रुपीज में मिल जाएगा और आपके मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होगा। आप कहीं भी आसपास में, आपके घर के आसपास कोई भी मेडिकल स्टोर है, आप वहां से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। और इस कैप्सूल को भी यूज करने में बहुत ज्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी है। इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इस पैकेट से एक कैप्सूल निकालना है, सिर्फ और सिर्फ एक कैप्सूल निकालना है और यूज करना है। कैसे यूज करना है ये आपको मैं बताऊंगी। तो इस पैकेट से सिर्फ आपको एक कैप्सूल निकालना है और एक पेन से या सेफ्टी पेन की हेल्प से आपको इसे इस तरह से एक छोटा सा होल करना है। होल करने के बाद इस तरह से आपको अपने फिंगर्स पे इसका जो कैप्सूल का अंदर का इंग्रेडिएंट है उसे यूज करना है। इसे लेकर आपको जहां भी स्किन डैमेज नजर आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है वहां पर यूज करना है। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से उंगलियों पर लेना है। अगर आप इसे अपने डार्क सर्कल के लिए यूज करना चाहते हैं तो आप अपने आईज पर भी इसे यूज कर सकते हैं। अपने फिंगर्स पर इसके इंग्रेडिएंट्स को लेकर इसी तरह से अपने डार्क सर्कल्स के पास आप इसे हल्का सा अपने फिंगर से मसाज दें। मसाज देने के बाद आप इसे 10 मिनट्स के बाद वॉश कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ ही टाइम में आपके डार्क सर्कल कम होते हुए आपको नजर आएंगे। तो जिस तरह से आपने अपनी आंखों पर इसे अप्लाई किया है सेम उसी तरह से आप चाहें तो इस कैप्सूल को अपने लिप्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम को भी ये इसी कैप्सूल को थोड़ा सा अपनी उंगलियों पर ले लें और अपने लिप्स पर इसे हल्का सा मसाज दें, बिल्कुल इसी तरह से।
तरह से सॉल्व करेगा और अपने लिप्स को ये नरिश करेगा। और अगर आप चाहें तो इस कैप्सूल को आप अपने रेगुलर बेसिस पर भी यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसका जो भी होगा प्रॉफिट होगा, बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा इसे यूज करने से। आप इसे अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ऐसे पूरे फेस पर भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, बट इसे डायरेक्टली ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं फेस पर। और पूरे फेस पर डायरेक्टली इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये कैप्सूल थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है, तो पूरे फेस को कवर अप नहीं कर पाएगा। इतना चिपचिपापन कोई भी फेस जो है हैंडल नहीं कर पाएगा और लगाने के बाद आपका फेस काफी ज्यादा स्टिकी स्टिकी और ऑयली लगेगा। इसीलिए इस कैप्सूल में हम थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेकर अपने हाथ पर और थोड़ा सा कैप्सूल से इसके अंदर के इंग्रेडिएंट को निकाल कर दोनों को मिक्स करके अपने पूरे फेस पर आप अप्लाई करेंगे तो फेस आपका बहुत ही ज्यादा शाइनी नजर आएगा, बहुत ही ज्यादा लुक अच्छा देगा। जब आप यूज करेंगे तब फेस थोड़ा सा ऑयली लगेगा, बट जैसे ही आप फेस को वॉश कर लेंगे नॉर्मल पानी से तो आपका फेस काफी ज्यादा शाइनी लगेगा। दो से तीन ड्रॉप्स आप एवियन कैप्सूल के अपने हाथों पर ले लें और दो से तीन ड्रॉप ही आपको कोकोनट ऑयल भी अपने हाथों पर ले लेना है। कैप्सूल के ड्रॉप्स और कोकोनट ऑयल के अपने हाथों पर इस तरह फिंगर से मिक्सअप कर लेना है। अपने फेस पर इसे इसी तरह से अप्लाई कर लेना है। हल्के हाथों से धीरे धीरे से मसाज करना है, बहुत ज्यादा जोर से मसाज नहीं करना है, हल्के हाथों से मसाज करना है बिल्कुल इसी तरह से। मसाज कर लेने के बाद आप 10 मिनट के बाद वॉश कर सकते हैं। और एकदम चमकता हुआ फेस किसे पसंद नहीं है। फेस पर अनोखी चमक के साथ साथ ही आपके फेस को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से नरिश भी कर देगा। इस कैप्सूल में विटामिन ई होता है और इसी कैप्सूल में हमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल जाएंगे। विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स के वजह से हमें इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा और बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली भी है। ज्यादा पैसे भी नहीं लग रहे हैं, ज्यादा आपको खर्च करना भी नहीं पड़ रहा है, आपके एक्सपेंसेस बहुत कम लग रहे हैं और आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है इसी कैप्सूल से। तो है ना एकदम चमत्कारी और इफेक्टिव टिप आप सबके फेस के लिए। और तो और फेस के साथ साथ और स्किन के साथ साथ ये आपके हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसे ही हमने इस एलोवेरा ऑयल में या फिर आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं और इस कैप्सूल को मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई किया था, वैसे ही जब आपको हेयर ऑयलिंग करनी हो तब आप इसे मिक्स करके अपने हेयर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होगा। इस मिक्सचर की वजह से आपका जो हेयर फॉल है वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होता जाएगा, बहुत ही अचानक से कम नहीं होगा। फ्रेंड्स आपको इसे रेगुलर बेस पर यूज करना होगा। जैसे ही आप रेगुलर बेस पर यूज करना शुरू करेंगे आपको इफेक्ट दिखेगा, आपको फायदा खुद से सामने से ही दिखेगा गाइस। आपके स्कैल्प जो है वो डायरेक्टली नजर नहीं आएंगे और बाल भी कम से कम ही टूटेंगे रेगुलर यूज करने से। तो है ना हमारे सुंदर बालों और सुंदर से चेहरे का रामबाण इलाज बहुत ही कम खर्च। और अगर आप चाहें तो इस कैप्सूल को आप कंज्यूम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप ये एक कैप्सूल डेली बेसिस पे अपने फेस पर या हेयर्स पर अप्लाई करें और एक कैप्सूल नॉर्मली खा लें। कैप्सूल को लगाने से तो प्रॉफिट हो ही रहा है, साथ ही साथ कैप्सूल को खाने से भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस कैप्सूल में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ चमत्कारी ऑक्सीडेंट भी है। मैं इस कैप्सूल को अपने रेगुलर बेसिस पे यूज करती हूँ फ्रेंड्स, इसीलिए आप सभी को सजेस्ट कर रही हूँ। आप भी इस कैप्सूल को यूज करिए और फर्क देखिए कुछ ही कम टाइम में। तो गाइस मैं कोई भी हैक अगर आपको बता रही हूँ या फिर कोई भी रेमेडी बता रही हूँ अपने ऊपर अप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले उसे मैंने खुद पर अप्लाई किया है, उसके बाद ही मैं उस रेमेडी या उस हैक के बारे में आप सभी को वीडियोस बना के बताती हूँ। बट फिर भी अगर आपको डाउट लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी हैक यूज करने से आपको कोई एलर्जी हो सकती है, तो अगर आप चाहें तो आप इसका पैच टेस्ट भी कर सकते हैं। जो भी मैं रेमेडी बता रही हूँ अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं अपने ऊपर, उसका प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप पैच टेस्ट लेना। पैच टेस्ट में कोई ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने फिंगर्स पे उस रेमेडी को लेना है और ऐसे कान के पीछे से थोड़ा सा टच करके उसे थोड़ा सा अप्लाई करके 5 मिनट का वेट करना है। 5 मिनट में अगर आपको कोई इरिटेशन नहीं लग रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, तो आप उसे अपने फेस पर या अपनी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। अगर अप्लाई करते वक्त आपको कोई भी इरिटेशन हो रहा है, थोड़ा सा भी इचिंग वगैरह कुछ भी हो रहा है, तो आप ये मान लो कि आपको इस चीज से या इस प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो आप वो यूज ना करें।
बट अगर आपको कोई इरिटेशन नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो आप उस रेमेडी को अपने ऊपर यूज कर सकते हैं, आपको जरूर प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ही न्यू प्रॉफिट लेने के लिए, ऐसे इनोवेटिव ब्यूटी टिप्स लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे वीडियोस पर कमेंट करके भी मुझे जरूर बताएं कि आप पर यह हैक यूज हुआ या नहीं, आपने कैसे यूज किया, आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कैप्सूल की वजह से आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम भी बहुत ही काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी, सन टैन से भी आपको काफी ज्यादा राहत मिलेगी, और लिप्स तो आपके नरिश होंगे तो होंगे ही, और जहां भी आपकी स्किन डैमेज हुई है उस स्किन को भी आराम से आप रिपेयर कर सकते हैं सिर्फ एक कैप्सूल की हेल्प से। तो आज के लिए इतना ही काफी है गाइस, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू टिप्स के साथ। थैंक यू।